बलिया में एक बार फिर से भारतीय रेल को डिरेल करने की साजिश सामने आई है। रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने का मामला सामने आया है। रेलवे ट्रैक पर रखा पत्थर लखनऊ छपरा एक्सप्रेस के ट्रेन के सेफ्टी गार्ड से टकराया है। ये पत्थर बलिया के बकुल्हा स्टेशन और माझी पुल के बीच सुबह करीब 11 बजे की ये घटना है, जब इंजन के कैटल गार्ड से टकरा गया यह पत्थर। लेकिन कैटल गार्ड से टकराते ही ये पत्थर हट गया और ट्रेन को नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन के लोको पायलट ने सेफ्टी सुनिश्चित कर गाड़ी को रोका और फिर उसके बाद गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया। रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। आपको बता दें, खबर बलिया से है, जहां ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के प्रयास का एक मामला सामने आया है। बलिया में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने का मामला सामने आया है। बलिया में रेलवे ट्रैक पर रखा पत्थर लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन के सेफ्टी गार्ड से टकराया। ये घटना बलिया के बकुल्हा स्टेशन और माझी पुल के बीच तकरीबन सुबह 11 बजे की हुई, जब गाड़ी नंबर 15054 लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी। माझी पुल से करीब 200 मीटर पहले ट्रेन के इंजन के कैटल गार्ड से ट्रैक पर रखा यह पत्थर टकरा गया। टकराते ही ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर तत्काल ट्रेन को रोक दिया और रेलवे अफसरों को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि ट्रेन के इंजन के कैटल गार्ड से टकरा कर ट्रैक पर रखा पत्थर हट गया, जिसके चलते ट्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद जांच के बाद कोई गड़बड़ी न मिलने पर सेफ्टी सुनिश्चित होते हुए लोको पायलट ने गाड़ी को गंतव्य स्थल की ओर रवाना कर दिया। बहरहाल, सूचना के बाद रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच शुरू कर दी। पुलिस और रेलवे पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है कि आखिर ट्रैक पर यह पत्थर कहां से आया। जब लखनऊ छपरा एक्सप्रेस छपरा की ओर जा रही थी, तो मांझी रेलवे पुल से लगभग 300 मीटर पहले रेलवे इंजन का सेफ्टी गार्ड किसी पत्थर से टकराने के कारण वहां के स्लीपर्स पर खुरचन के निशान आए हैं। इसके बाद सामान्य रूप से वह छपरा के लिए रवाना हो गई है और रूट पर रेलवे परिचालन सामान्य रूप से निर्बाध चल रहा है। मौके पर मैं क्षेत्र अधिकारी बैरिया स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचा एवं आरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई और अभी विस्तृत जांच की जा रही है। यूपी न्यूज 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।